अनुजति ज्योतिष केंद्र कुंडली पाठ 100 100 वीडियो पर हम आ गए। 100 वीडियो आज कंप्लीट होने वाले। इसमें हम बुधादित्य योग सीरीज में सिंह लग्न पर बुधादित्य योग को देखने जा रहे हैं। सूर्य और बुध आपस में अगर मिल जाए, युति हो, तो बुधादित्य योग बनता है। इसमें षडवल देखिए सूर्य का, बुध का। इसके अलावा आप ये देखिए कि कारक है कि मारक, सब पे वीडियो बना चुका हूँ। अगर डायरेक्ट इस वीडियो पे, तो बिल्कुल इस वीडियो को आप बंद करें और पहले वीडियो से देखना चालू करें। बार बार देखिए, ये चीज़ आपको क्लियर हो जाएगी। सबसे पहले समझ लें कि बुधादित्य योग करता क्या। पहले घर में कद काठी क्या होगी, शरीर कैसा होगा वो बता सकते हैं। दूसरे घर से अगर देखें तो दूसरे का बिजनेस लेके, पैसा लेके कैसे बिजनेस करना है वो देखा जाए। तीसरा घर पराक्रम को बताता है, कितना पराक्रमी होगा इंसान। ठीक, अगर मैं चौथे घर की बात करूँ तो चौथे घर से हम इसमें ये देखते हैं कि किसी संस्था का कुलपति हो सकता है इंसान। आशातीत सफलता मिल सकती है, माता के स्वास्थ्य में कुछ समस्या जरूर दिखा सकता है। ठीक, अगर मैं पांचवें घर की बात करूं तो प्रतिभा संपन्न संतानों का योग बना देता है। ठीक है, अल्प संतान होगी लेकिन बहुत बढ़िया संतान होगी। 6, 8, 12 बिल्कुल अच्छा नहीं देगा। विपरीत राजयोग की कंडीशन में कोई ग्रह फंसता है तो जरूर अच्छा फल देगा। विपरीत राजयोग राजयोग से भी 3 गुना अच्छा हो जाता है। ठीक है, ये मेरा पर्सनल मानना है, क्योंकि मैंने 1500 कुंडली और 5000 हाथ देखे हुए। ठीक, इसके बाद मैं बात करूं 6, 8, 12 अच्छा नहीं आएगा। अगर मैं सातवें घर की बात करूं कि सातवें घर से बुधादित्य योग क्या करता है, तो ये चिकित्सक बना सकता है, अभिनेता बना सकता है, इसके अलावा रत्न व्यवसायी बना सकता है, निजी सहायक बना सकता है। नवे घर की बात करूं तो नवे घर से बहुत ज़्यादा स्वाभिमानी और इसी से परेशानी आती है। अगर हम दसवें घर की बात करें तो धन कमाने वाला, चतुर होता है, साहसी होता है, संगीत प्रेमी होता है। ग्यारहवें घर से अगर हम बात करें तो ग्यारहवें घर में हमेशा आप ये ध्यान रखें कि यशस्वी होंगे, इसके अलावा रूपवान होंगे। और बारहवां घर, कुटुंब ही इनका धन हड़पेगा, जुए सट्टे में इनको परेशानी खड़ी होनी है। छठे घर से भी दिक्कत, आठवें से और बारहवें से इस तरह की दिक्कतें आना ही आना है। ठीक है, आठवें घर से दुर्घटना के योग दिखाता है। ठीक, छठा घर भी कोर्ट कचहरी इस तरह की योग भी बना सकता है। कई बार इस चीज़ को आप ध्यान रखें। तो सबसे पहले अगर दोनों ग्रह कारक हैं तो 100% बनेगा, लेकिन नीच के नहीं होना चाहिए, ये चीज़ ध्यान रखें। उन पर दृष्टि ना नीच की पड़े, इस तरह का भी ध्यान रखें। उच्च नीच की दृष्टि पर एक वीडियो मैं एक दो सीरीज के बाद बनाता हूँ। तो आइए देखते हैं, सूर्य बुध पहले अगर बैठे लग्न में बैठे, 100% बनाएंगे, क्योंकि दोनों कारक हैं। यहाँ पर बुध अपनी, यहाँ पर सूर्य अपनी राशि में आ गए, बहुत बढ़िया, अच्छा बनना है। बुध है ही कारक, सूर्य भी कारक। दूसरे घर में बुध अपनी राशि कन्या राशि में आ गए, सूर्य भी कारक, बुध भी कारक, 100% यहाँ भी बनेगा। तीसरे घर में यहाँ पर दिक्कत, सूर्य यहाँ पर क्या हो जाते हैं, नीच के हो जाते हैं, क्योंकि सूर्य तुला राशि में क्या है, नीच के हैं, लेकिन बुध अपना 50% फल यहाँ पर देगा ही देगा। ठीक, ये नीच लिखा हुआ है मैंने। इसके बाद चौथे घर की बात करूँ, 100% फल देगी। अगर मैं पांचवें घर की बात करूँ तो यहाँ पर बुध अपने, यहाँ पर भी 100% दोनों फल देंगे। अगर मैं छठे घर, आठवें घर और बारहवें घर की कोई भी चीज़ ये अच्छी नहीं होने वाली है। ठीक है, बुध यहाँ पर बुध नीच के भी हो जा रहे हैं। ठीक है, अगर मैं दसवें घर की बात करूँ, दसवें घर में क्या होगा, नवे घर की बात करूँ, नवे घर में भी क्या करेंगे, दोनों अच्छे फल देंगे। ठीक, अब अगर मैं दसवें घर की बात करूँ तो दसवें घर में भी 100% नवे घर में बनेगा। ग्यारहवें घर में भी ये 100% 80-90% यह मान के चलिए कि बनते ही बनते हैं। ठीक है, योग बनेगा। बारहवें घर में अच्छा योग नहीं बना, देखिए केंद्र में बन रहा है, त्रिकोण में बन रहा है। केंद्र 100% मानते हैं, त्रिकोण 80% मानते हैं। इन घरों में थोड़ा सा क्या माना जाता है कि कमज़ोर होता है, लेकिन मैंने पर्सनली एक्सपीरियंस देखा कि बहुत ज़्यादा कमज़ोर नहीं होते, 70-80-90 के आसपास होता है, और केंद्र से ज़्यादा मजबूत त्रिकोण में मैंने रिजल्टों को देखा है। तो ये था बुधादित्य योग सिंह लग्न में कुंडली पाठ 100। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मेरा नंबर सामने है, कोई दिक्कत है व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। अगले वीडियो तक नमस्कार, धन्यवाद।